सात मैचों में चार शतक ठोकते ही डीकॉक ने रोहित को दे दी खुली धमकी। कहा कुछ ऐसा सुनकर होश उड़ जाएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या बोले कंटेंट डीकॉक रोहित शर्मा को लेकर सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले भैया, अगर आप भी हैं टीम इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा के फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में रोहित शर्मा लिखना ना भूलिएगा। बात करते हैं इस रिपोर्ट की। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जहां रोमांच भरे मुकाबले तो हम सबको रोज देखने को मिल ही रहे हैं, और ऐसे में जहां पे अब की बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया नंबर एक पर पॉइंट टेबल में काबिज है। 6 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीत चुकी है। लेकिन अब बारी यहां पे आपको बता दें कि टीम इंडिया का, जो कि 7वां मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ है और 8वां मुकाबला यहां पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, और जहां पे आज आपको बता दें कि एक और मुकाबला खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच। इस मुकाबले में जहां पे साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करनी होती, तो कॉन्टेंट डीकॉक ने इस मुकाबले में 116 गेंदों में 114 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। और इसके बाद जो यहां पे कॉन्टेंट डीकॉक आउट हुए, और कॉन्टेंट डीकॉक आउट होने के बाद यहां पे आपको बता दें कि कॉन्टेंट डीकॉक ने खुली यहां पे कप्तान रोहित शर्मा को चुनौती धमकी दे दी। उनका कहना है कि यहां पे अब हमारा अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो कि आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा भारत और यहां पे साउथ अफ्रीका के बीच, जो कि ये मुकाबला दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला 5 नवंबर को खेला जाएगा और ये मुकाबला ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस मुकाबले से पहले कॉन्टेंट डीकॉक ने रोहित शर्मा को कहा कि मैं अब यहां पे दोस्तों इंडिया के खिलाफ एक शानदार बल्लेबाजी करते नजर आऊंगा। उन्होंने कहा कि यहां पे रोहित शर्मा भी भले फॉर्म में चल रहे हो, लेकिन यहां पे मेरी बल्लेबाजी उनसे काफी बेटर है और मैं उनके गेंदबाजों को एक के बाद एक उनके गेंदबाजों पे छक्के लगाते नजर आऊंगा और बार बार यहां पे गेंद को मैं पवेलियन के बाहर भेज दूंगा, ताकि उनके गेंदबाज भी मेरे से परेशान हो जाएं और यहां पे बार बार मैं उनके गेंद पे छक्का लगाऊंगा। इस बात को लेकर यहां पे कॉन्टी कॉक ने कहा थी, इसमें रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे और उनकी बल्लेबाजी भी हमारे गेंदबाजों के आगे फ्लॉप हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा एक शानदार पारी खेल पाएंगे या नहीं? अपनी राय से कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।